हर तालिका तीज पर ये तीन काम जरूर करें, होगी हर मनोकामना पूरी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हर तालिका तीज व्रत के दिन करने वाले तीन ऐसे कामों के बारे में जिससे हर मनोकामना पूरी होगी, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा और माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर बरसेगी तथा सभी सुहागिन स्त्रियों की मनोकामना पूरी होगी। फिर चाहे वह व्रत रखें या ना रखें, जो भी सुहागिन महिलाएं सच्चे मन से हर तालिका तीज का व्रत करती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं, तो उसकी सभी मनोकामना हर तालिका तीज के दिन पूरी हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होती रहे। आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि हर तालिका तीज का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं है। हर तालिका तीज के दिन कोई भी उपाय कर लिया जाए तो इससे कई गुना अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि हर तालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। यदि संभव हो तो सभी सुहागिन महिलाओं को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, हर तालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव की रेत या मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन करती हैं। ऐसी मान्यता है कि हर तालिका तीज व्रत के पुण्य प्रभाव से सुखद वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं कि हर तालिका तीज के दिन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे आपको लाभ हो। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और अपने जीवन साथी के साथ अपना रिश्ता और अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो हर तालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। इससे आपके जीवन में मधुरता बढ़ जाएगी, आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे और आपके जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। आइए अब दूसरे उपाय को जानते हैं। यदि आप अपने पति को खुश देखना चाहती हैं तो आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप अपने पति को खुश देखना चाहती हैं तो हर तालिका तीज के दिन भगवान शिव की स्तुति करके उन्हें आंख के पांच फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। आपके इतना करने से ही लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब आप इस उपाय को करें तो मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तो हर तालिका तीज के दिन अन्न का दान करना भी बहुत पावन और उत्तम माना गया है। जो भी सुहागिन महिला हर तालिका तीज के दिन दान करेगी तो वह मंगलकारी माना जाएगा और आपको अन्य दिनों में दान करने की तुलना में हर तालिका तीज के दिन दान करने से कई गुना ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि यदि आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति और जीवन में तरक्की चाहते हैं तो हर तालिका तीज के दिन किसी ज़रूरतमंद को अनाज दान करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर करें। इन सभी उपायों को करते समय आपका भगवान शिव पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होगी। इसलिए आप भगवान पर विश्वास रखें। आइए एक उपाय और जान लेते हैं। यदि आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए रखना चाहते हैं तो हर तालिका तीज के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ शिव जी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं और 11 बार ओम शब्द का उच्चारण करें। जो भी अपने शरीर के किसी भी अंग को लेकर परेशान है वह इस उपाय को अवश्य ही करें।
ऐसा माना जाता है कि आज तक जिसने भी यह उपाय किया है उसे निश्चित ही इसका फल प्राप्त हुआ है। अब आइए एक उपाय के बारे में और जान लेते हैं। यदि आप अपने किसी काम में पूर्णतया सफलता पाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उसका भोग भगवान शिव को लगाएं और बने हुए भोग में से थोड़ा सा भोग निकालकर गाय के बछड़े को खिला दीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो हरतालिका तीज में पानी और दूध के साथ उसमें थोड़ा केसर मिलाइए और उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा करके शिवलिंग पर 7 बार चढ़ाइए। इस उपाय को करते ही आपको लाभ देखने को मिल सकता है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।